हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आयुर्वेदिक आई मंत्रा ड्रॉप, जो के दिवसा हर्बल की होती है और इसका प्राइस 85 रुपये होता है, इसकी जानकारी हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आई मंत्रा ड्रॉप एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप होती है। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे कि सभी लोग या बच्चे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, और जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, उनके लिए आई मंत्रा ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करती है। और दोस्तों, इस ड्रॉप को छोटे बच्चों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉप थोड़ा सा आंखों में चैंटती है या जलन करती है, जिससे बच्चों को सहन नहीं हो सकती है। और दोस्तों, ये ड्रॉप जैसे कि आंख में चोट लगना, आंख आना या लाल होना, आंख से पानी आना, आंख से धुंधलापन दिखना और आंख में दर्द होना, ये सभी में काम आने वाली ड्रॉप होती है दोस्तों। और दोस्तों, आंख में मोतियाबिंद को भी ठीक करने में सक्षम होती है। और दोस्तों, जिनके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है उसे भी कंट्रोल करती है। दोस्तों, आई मंत्रा ड्रॉप को आप दिन में 2-3 बार, 2-3 बूंद आंख में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रॉप को इसके कैप से ही कसकर खोलना चाहिए और इसे आप कभी भी कपड़े से पोंछकर नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों, इस ड्रॉप को खुलने के बाद केवल 1 ही महीने यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसे फेंक दें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, आई मंत्रा ड्रॉप में हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, जैसे गुलाब जल, पुनरनवा जड़, दारू हल्दी, शहद, बहेरा, आंवला, नीम, हल्दी, तुलसी, ऐसे ही और भी जड़ी बूटियां होती हैं, जो कि ये सभी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, इसे आप आंखों में डाल सकते हैं। दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट खास नहीं होता है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इसे डालना बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नई नई मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।